मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ ताल ठोक दी है। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर राज्य सरकार की शराब नीति की जमकर आलोचना की है। शराब को लेकर लगातार मध्य प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही उमा भारती ने पत्र में लिखा कि जब भी मेरी इस बारे में सरकार या किसी से चर्चा हुई तो मैंने उसे सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि मुझे भरोसा था कि इसके सकारात्मक परिणाम होंगे। कई बार मेरे मौन के कारण मैं निंदा, उपहास और आलोचना की पात्र बनी। उमा ने पत्र में सवाल किया कि राज्य सरकार ने खुले आहातों में झुंड के झुंड लोगों को शराब पिलाने का लाइसेंस दिलाकर क्या गैरकानूनी काम नहीं किया है, क्योंकि शराब के नशे में लोग वाहन चलाकर घर तक जाते हैं और देश में शराब पीकर वाहन चलाना अपराध है। उमा भारती ने नड्डा से अपील की है कि शराब एवं नशे पर पार्टी के परिजनों से आप परामर्श करके एक जैसी शराब नीति सभी भाजपा शासित राज्यों को लागू करने के निर्देश दें। नीति स्पष्ट होने से हमारी पार्टी की हर राज्य सरकार उसका पालन करने के लिए बाध्य होगी। शराबबंदी मेरे निजी अहंकार का विषय नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की महिलाओं का सम्मान और उनके परिवार की सुरक्षा, युवाओं की रोजी रोटी और भविष्य से जुड़ा हुआ सामाजिक विषय है। मेरा भरोसा अभी भी शिवराज जी और उन सब पर है जिनसे मैं मुलाकात कर चुकी हूँ। मध्य प्रदेश सरकार अपनी शराब नीति को वापस लेकर नई संशोधित नीति को आपके मार्गदर्शन में प्रस्तुत करेगी। उमा भारती ने अक्टूबर तक अकेले ही शराब की दुकानों और आहातों के सामने खड़े होने का ऐलान किया है और गांधी जयंती पर भोपाल की सड़कों पर महिलाओं के साथ मार्च करने की बात भी लिखी है। डायमेट मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ ताल ठोक दी है। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर राज्य सरकार की शराब नीति की जमकर आलोचना की है। शराब को लेकर लगातार मध्य प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही उमा भारती ने पत्र में लिखा कि जब भी मेरी इस बारे में सरकार या किसी से चर्चा हुई तो मैंने उसे सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि मुझे भरोसा था कि इसके सकारात्मक परिणाम होंगे। कई बार मेरे मौन के कारण मैं निंदा, उपहास और आलोचना की पात्र बनी। उमा ने पत्र में सवाल किया कि राज्य सरकार ने खुले आहातों में झुंड के झुंड लोगों को शराब पिलाने का लाइसेंस दिलाकर क्या गैरकानूनी काम नहीं किया है, क्योंकि शराब के नशे में लोग वाहन चलाकर घर तक जाते हैं और देश में शराब पीकर वाहन चलाना अपराध है। उमा भारती ने नड्डा से अपील की है कि शराब एवं नशे पर पार्टी के परिजनों से आप परामर्श करके एक जैसी शराब नीति सभी भाजपा शासित राज्यों को लागू करने के निर्देश दें। नीति स्पष्ट होने से हमारी पार्टी की हर राज्य सरकार उसका पालन करने के लिए बाध्य होगी। शराबबंदी मेरे निजी अहंकार का विषय नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की महिलाओं का सम्मान और उनके परिवार की सुरक्षा, युवाओं की रोजी रोटी और भविष्य से जुड़ा हुआ सामाजिक विषय है। मेरा भरोसा अभी भी शिवराज जी और उन सब पर है जिनसे मैं मुलाकात कर चुकी हूँ। मध्य प्रदेश सरकार अपनी शराब नीति को वापस लेकर नई संशोधित नीति को आपके मार्गदर्शन में प्रस्तुत करेगी। उमा भारती ने अक्टूबर तक अकेले ही शराब की दुकानों और आहातों के सामने खड़े होने का ऐलान किया है और गांधी जयंती पर भोपाल की सड़कों पर महिलाओं के साथ मार्च करने की बात भी लिखी है। डायमेट मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।